सही, आपका स्वागत है। काफ़ी बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मतलब मुझे प्रॉब्लम होता था पहले, वो है ना कि लोग सुनते क्यों नहीं, या अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोग अपना सुनते नहीं या काम करते नहीं। फिर हम बोलते हैं हमको क्या लोग मिले हैं, कैसे मिले हैं, है ना, निपत्तर लोग मेरे पास में हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, या लोग सुनते नहीं हैं, लोग सिर्फ पगार के लिए आते हैं, तनख्वाह के लिए आते हैं, काम नहीं करेंगे। तो ऐसा फिर मेरा दिमाग में चलता था कॉन्वर्जेशन, मतलब काम क्यों नहीं करते लोग, क्या करूं मैं कि वो काम करेंगे। फिर ये जब इसका जब मैं आंसर देखता रहा कि क्या होता है ऐसा, तो हरदम ऐसा हम देखते कि भाई बाहर कुछ भी नहीं है, वातावरण में कुछ भी नहीं है, लोगों में कुछ भी नहीं है, मेरे में देखना पड़ेगा कि मैं जो उनको बोलता हूँ वो उनको लैंड हुआ कि नहीं हुआ, उनको समझा कि नहीं समझा, नंबर एक। अच्छा, उनको समझा है तो उन्हें हाँ बोला होगा, मगर मैंने उनको ये नहीं पूछा कि ये काम तुम जो करने वाले हो ये कब तक करने वाले हो, क्या समय है, तो वो मैं देखता नहीं कि वो कब करने वाला है। अच्छा, उसने बोल दिया कि मैं ये समय तक करना है, अच्छा कब चालू करने वाले हो काम, मतलब जब आप ये पूछेंगे उनको कि आप चालू कब करने वाले हो, आप ख़त्म कब करने वाले हो, मुझे कब रिपोर्ट करने वाले हो, तो वही आप जब पूछेंगे कि आप रिपोर्ट कब करेंगे मुझे, ये काम हो गया नहीं हो गया, तो मतलब स्पेसिफिकली आप ये देख रहे हैं कि उसको आपका कहना समझ में आया कि नहीं आया। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि तू जरा रिक्रिएट कर, बता बाद में फिर से कि तेरे को क्या समझा, कौन सा काम करने वाला है, तू समझा कि नहीं मैं जो बोला हूँ। फिर वो अपने को जब समझाता है कि उसको क्या समझा, तो उसमें अपने मालूम पड़ता है कि इसको समझा कि नहीं समझा, क्या गलती कर रहा है। और फिर जब वो बोलता है अपने को एकदम डिक्टो एग्जैक्टली, फिर हम बोल सकते हैं कि उसको समझा हुआ है, फिर वो बाद में भूल सकता है ये बोलने के बाद में, इसलिए उसके पास में लिखा है क्या वो जो मैं बोल रहा हूँ, और लिखा है तो फिर ये काम कब करने वाला है, ये काम करेगा कब और कितने बजे रिपोर्टिंग करेगा। तो ये करने से होता क्या है कि उसको एक्चुअली समय मिलता है कि भाई कितने बजे करने वाला है, और उसको वो करना है, उसको मतलब एक गोल मिलता है, एक टारगेट मिलता है, और उसको वो समझता है कि नहीं मेरे को ये करने का है तो वो कर लेगा। जैसा मैंने मेरा जो अकाउंटेंट है उसको मैंने बोला कि तू ऐसा कर कि तुमको 1 लाख का मैंने एक चेक दिया हुआ है, तो 1 लाख तू बैंक में डाल दे सवेरे, उसको मैंने 11 बजे बोला, बोले हाँ डालता हूँ। अब मैंने पुरानी आदत से, मतलब पुरानी आदत मेरी रहती थी, तो मैं बोलता हाँ डाल दे, अभी उसको डाल दे उसने हाँ बोल दिया, अभी वो एग्जैक्टली कितने बजे डालेगा। वो मैंने उसको ये बोला कि तू जा मेरे पत्नी से वो 1 लाख रुपये ले ले, वो बैंक में जा और बैंक में खाते में डाल दे, उसने बोला हाँ मैं डाल दूंगा। तो मैं पुरानी आदत से करता था, तो मैं उसको डाल दे भाई, और मैं वहीं चुप हो जाता था। और फिर कभी मेरे को जब याद आता 2 बजे 3 बजे दोपहर को, अरे भाई डाले क्या पैसे, बोलता हाँ जा रहा हूँ ना डालता हूँ ना, या फिर हो सकता है कि 3-4 बजे बोलेंगे कि यार तो भूल गया मैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जब उसको मैंने बोला कि भाई 1 लाख रुपये अकाउंटेंट को बुला के तू डाल दे बैंक में, तो मैं उसको पूछता हूँ कि तू मेरे पत्नी से कितने बजे पैसे लेंगे, अभी यहाँ बोल रहा है तो कितने बजे बैंक में जाएंगा, और वो डालने के बाद में मुझे आके बता कि तूने वो स्लिप मेरे को बताने का है कि वो स्लिप डिपॉजिट की कि नहीं, वो कितने बजे बताया। तो उसको क्लियर डायरेक्शन मिली और कौन से बैंक में जाएगा, क्योंकि मेरे खाते 3 बैंक में अलग अलग, और एक ही बैंक में फिर और 2 खाते हैं, करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट है, कौन से अकाउंट में डालेगा। मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन, काम चालू कब होगा, काम खत्म कब होगा, रिपोर्ट कब करेगा, इस तरह से यदि वो मैं किसको काम बताता हूँ तो वो काम हो जाता है। और नहीं तो फिर हम इसमें रहते कि नहीं हो जाएगा, मैं अपने दिमाग में रहता हूँ कि ये काम हो जाएगा, वो अपने दिमाग में रहता है कि ये काम करने का है, कभी तो भी करने का है ना, 6 बजे अपनी ड्यूटी खत्म होती है तो 6 बजे के पहले करेंगे ना, डालेंगे ना पैसे, उसमें क्या उसको क्या मालूम कि मेरा चेक लगा हुआ है, आज वो क्लियरिंग में जाएंगा कि नहीं जाएंगा, और फिर उसमें वो अपने मन से काम करेगा। तो जब भी कभी किसको हम काम देते हैं, तो हम यदि वो उसके साथ में वो क्रिएट करते हैं तो उसको उसका टाइम लेते हैं, उसका वर्ड लेते हैं कि भाई तेरा वर्ड क्या है, तू ये काम कितने बजे करेगा, समझा कि नहीं समझा, तो वो काम बराबर होगा। नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो काम करता नहीं है, वो काम अपने दिमाग से करता है, उसको जब लगा तब करता है, और फिर अपने को मालूम पड़ता है कि इसने गलती कर दिया, उसने भलते खाते में डाल दिया, तो मेरी चिड़चिड़ हो जाएगी, है ना, मैं चिड़चिड़ा करूँगा, तुमने तेरे को बोला था ऐसा, मेरे उसको समझ में आया मुझे कि मैं बराबर बोलता ही नहीं था, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता ही नहीं था। फिर अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, नहीं हो गया तो मैं चिल्लाऊंगा कि काम क्यों नहीं किया। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम जो है, क्योंकि काम करने का तरीका और लोगों से काम करवाने का तरीका, क्योंकि यदि आपको अपना टाइम बचाने का है
या फिर बहुत ज्यादा काम आपको करने के हैं तो आपको काम डेलीगेट करना ही पड़ेगा। कि कोई भी काम जब मेरे पास में आता है या आपके पास में भी आता है तो एक तो आप काम कर सकते हो खुद ही, और खुद नहीं काम कर सकते हो तो किसको आप सौंप सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। या तीसरा, ये काम कब करेंगे वो अपने कैलेंडर में डाल सकते हैं कि भाई ये काम मैं कल करूंगा, दोपहर को करूंगा, परसों करूंगा, ये डाल सकते हैं। या फिर चौथा, वो डम कर सकते हैं कि नहीं अपने को करना ही नहीं है काम, तो इस तरह का वो काम का बराबर प्लानिंग हो सकता है। फिर नेक्स्ट ये आता है कि अपने को ऐसा लगता है कि नहीं उसको समझ में आया, एक्चुअली उसको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए लिखित स्वरूप में काम दिया कि नहीं दिया, लिखित स्वरूप में देने के बाद में उसको समझा कि नहीं समझा, उसको समझाऊंगा तो अपने अपना मसाला डालेंगे नहीं वो काम में, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और इस तरह से हम काम करते तो डेफिनेटली वो काम हो जाता है और अपने को सक्सेस मिलता है। तो ये मुझे काम के बारे में बताने का था आपको कि भाई काम कैसा करवा के लेना लोगों से और उसमें आपको कहाँ कहाँ अड़चने आ सकती है।